आग परमिशन से नहीं लगी है, ये आग परमिशन से लगी है यहाँ पे। कोई बंदा लगा के गया है? सो इतनी भयंकर आग लगाई है, ऊपर सारे पेड़ों को नुकसान हुआ है। जय श्री राम। और फिर हाल चाल आपसे स्वागत है भाई ब्लॉग में। हम आ चुके हैं मोमोज खाने के लिए, पार्क से सीधा आ गए एक्सरसाइज करके मोमोज खाने के लिए। मुझे स्टीम वाले अंदर, मैंने स्टीम ली और हाफ ही, क्योंकि यार गाइस मैं जिम कर रहा हूँ इसलिए मैंने पी नहीं लिया। इन लोगों ने फुल फुल दिया प्लेट, मैं कम खाता हूँ क्योंकि ये पेट निकल रखा है। क्योंकि गाइस पेट निकल गया है ऐसे। सही बात, जो फैक्ट वाली बात है वो कभी छुपाई नहीं आप लोगों से। तो गाइस देखो इसमें से भी एक लेड आई है, मतलब बेशर्मी की तो हद होती है। मोमोज तो खा लिया, कुछ मीठा खाने का टाइम आ चुका है, तो हम लेंगे ऐसे मीठे। कौन ले रहा है भाई? ऑन कैमरा बोल दिया तो ये तीन स्मूदी। अबे सोडिया वो ले लेना यार, जीरा क्यों ले ले भाई? जीरा ले ले स्मूदी, ये भी मस्त है। सो गाइस इसी के साथ हम दूसरी बार पार्क आ गए, उस साइड पता नहीं आग जल रही है। सो जाके देखते हैं किस चीज़ की आग है। मतलब क्यों जला रखी आग? मेरे साथ है निखिल और सवित भी आ रहा है पीछे। सवित डर के मारे भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। गाइस कितनी भयंकर आग लग रखी है, इन लोगों ने पूरा पेड़ भी तो है साइड में, वो नहीं देखा लोगों ने। और देखते हैं किस चीज़ में आग लगा रखी है लोगों ने। इन लोगों ने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया है यहाँ पे आग लगा के। चाहते तो खुले में भी लगा सकते थे, वैसे जलाने की क्या जरूरत है? पेड़ भी चल रहा है और पेड़ भी जल रहा है ऊपर, देख सकते हो पत्तों में आग लगाई है। और बहुत ज़्यादा आग है, मुझे लगता है किसी बंदे ने लगा दी है ये यहाँ के पास लगाया। देख रहे हो ऊपर के सारे पत्ते जल रहे हैं, पता नहीं किसका काम है ये। ये आग परमिशन से नहीं लगी है, ये आग परमिशन से लगी है यहाँ पे। कोई बंदा लगा के गया है? सो इतनी भयंकर आग लगाई है, ऊपर सारे पेड़ों को नुकसान हुआ है। और वो वाला पेड़ तो बिल्कुल जल गया, और ये गार्ड भैया कह रहे हैं इनकी देखरेख में नहीं जलाया गया, किसी बंदे ने जला के यहाँ पे निकल सूखे पत्ते हैं ना, किसी ने मार दिया होगा लाइटर वगैरह कुछ। एक बंदे की बे को कैसे मजा सकते हैं? फेंक देंगे वो जो पत्ते इन पे को। हाँ हाँ ये सूखे पत्ते थे ना तभी लगी है इतने भाई, ये मुतेगी भी नहीं उस साइड तक जाएगी पूरी। ये भाई उधर उधर से देखो सारे पत्ते सूखे, सारे पानी की उधर उधर से पानी गीले करने पड़ेंगे पत्ते। पानी जो सप्लाई के लिए आता है डालने वाला, वो उसकी पाइप टाइमिंग होती है, वो तो 6 बजे तक आता है पानी सप्लाई का। पार्क में पानी है नहीं अभी, ये बुझी नहीं तो वो पेड़ तो खत्म है। और कोई उपाय भी नहीं है ना, वो वाला पेड़ भी जल जाएगा वाला। बस पता नहीं किसने इतनी बेवकूफ़ी वाला काम किया। और इस पार्क की लोकेशन है स्मृति वन मयूरिया फेस 3। अबे और आपका आग का भपका भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, पतझड़ का मौसम है यार, यही तो ये तो दिक्कत है। तभी करते हैं बंदे। तो गाइस इन लोगों ने फ्लेवर्स बुलाए हैं, वो पानी की कुछ व्यवस्था वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं आग मस्ती के लिए। बाकी अगर उस साइड अगर पेड़ों में आग जाती है, मतलब आग पहुँचती है, तो उस पेड़ में से दो तीन पेड़ तो पूरा खत्म हो जाएगा वो। हाँ इसलिए पानी इसे मिलाने की दिक्कत वो करते हैं प्रबंध, फ्लेवर वगैरह बुलाए हैं तो देखते हैं अब क्या चीज़ है इसका। बाकी देख लो पेड़ में भी लग रही है आग धीरे धीरे। ये तो गलत है यार, इमरजेंसी के टाइम पे कोई वो नहीं। लग गई पेड़ में आग, उसके पेड़ में आग लग गई
तो भाई जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, स्पीड में आग लगनी स्टार्ट हो गई। अबे देख ऊपर तक उसमें भाई खत्म कर देंगे दो तीन पेड़ पूरा भाई। बहुत ही भयंकर आग लग गई है पार्क में और इस लाइन से पूरे ही पार्क है, मतलब पेड़ है लाइन से कनेक्टेड ऊपर ऊपर से सब में आग लग सकती है। पानी का कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा, बंदे यहाँ कॉल पे कॉल करने में लगे हुए हैं, सारे लेबर्स आ चुके हैं लेकिन पानी का कोई वो नहीं है। कह रहे हैं कि 6 महीने से पानी सारे पेड़ वेड़ सूख रहे हैं। बताओ इतना बड़ा पार्क है स्मृति वन कॉन्डली लेकिन इसकी कुछ भी पानी की व्यवस्था तो हुई नहीं। ये लोग देखो लेके आए पत्ते साइड कर रहे हैं एट द एंड। पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई, लास्ट में पत्तों को साइड कर दिया गया जिससे आग ना फैले, मतलब पेड़ों के साइड साइड से हटा दिए पत्ते, वो भी सही सॉल्यूशन था लेकिन पेड़ जितने जलने थे वो भी जलेंगे। लेकिन आप इतना बड़ा पार्क है पानी का कुछ इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, पेड़ पौधे आग तो लगी सकती है, ऐसे तो पूरे पूरे जंगल खत्म हो जाते हैं। वो कह रहे थे आग नहीं फैलेगी लेकिन ऊपर पेड़ों में भी आग लगनी स्टार्ट हो गई थी। ऐसे ही फैलती कि नहीं होता, बिल्कुल फैलती है। ठीक है वो तो एक ही बार एक ही पेड़ में आग लगती है ना तो पूरे पूरे जंगल खत्म हो जाता है। इन लोगों को बोल रहे थे, इन लोगों को यकीन नहीं हुआ जब पेड़ करते हैं जिसने भी करा है ये बहुत गलत है। यहाँ पे भी इकट्ठा कर रखा है पत्ते, यहाँ पे भी किसी ने आग लगा दिया। पतझड़ का टाइम है यार, सूखे पत्ते तो इकट्ठे करेंगे लेकिन यार आग लगाने का क्या मतलब बनता है। रात के बज चुके हैं 9 और हम जा रहे हैं वापस घर। भाई आपका कैमरा सही हो गया ना? देखा मैंने कहा था ना जो लड़की की थी। तो भाई देख लो मैं लड़की को वापस घर लेके आया था और वो वापस से मुझे घर लेके जा रहा है, तो यही चलता रहेगा। और ये कह रहे हैं कि मेरे घर चलने के लिए, तो हम पहले जा रहे हैं छोटी बुआ के घर पे, उसके बाद जाएंगे बड़ी बुआ के घर पे। और मैंने 2 दिन का पैक भी कर लिया सामान, तो 1-2 दिन रुक के आएंगे। बहुत मजा आएगा। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, लेते हैं यहाँ से ऑटो, सुबह संतरा शो में बाइक से जा नहीं सकते, बाइक वहाँ खड़ी करनी पड़ती, यहाँ सेव करिए रहने दे ऑटो चलते हैं, फिर वहाँ से कल निकलेंगे सुबह सुबह मेट्रो से। बोर के घर पहुंच चुका हूं और ऑटो नहीं मिल रही थी, सिर्फ रैपिडो करना पड़ा और रैपिडो में ही दोनों बैठ के आ गए। तो इस व्लॉग को कर तो नहीं पे ना, वो बाप सभी को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक बटन सब्सक्राइब ना चैनल बाय बाय। सब 12:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं चाप खाने वाले, तो यहीं पर वीर जी चाप खुली हुई। वीर जी चाप अभी कौन थी? गुप्ता जी चाप। गुप्ता जी चाप तो चलते हैं चाप खा के आते हैं, रात में भूख लगी नहीं खुली हुई तो इसी को मार के खाऊंगा। ये हमारे मलाई चौक है बोल रेस्टोरेंट बंद हो गया था तो हमने पैक करवा लिया अंदर, तो घर पे जाके खाते हैं। और गाइस इतनी स्मगलिंग तरीके से अंदर जाके पैक करवाया। अब चाप खाते हैं, 1 बज चुके हैं। टेस्ट और क्वांटिटी ज्यादा है, टेस्ट मैटर। जाए घबरा।